Hi everyone, welcome back to my channel Karan Tutorial. So today's video is all about real glow up tips. ये टिप्स सिर्फ आपको 15 डेज में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं. आपको अपना ओवरऑल लुक में बहुत ज्यादा चेंजेस मिलेंगे देखने को, क्योंकि ये जो टिप्स है ये मैंने यहाँ पे लिख रखे, आप देख सकते हो. ये वो टिप्स है, जब मैं लिख रही थी ना मुझे ये लग रहा था कि हाँ ये तो मैं खुद ही फॉलो करती हूँ, ये पार्ट बन गए मेरे डे टू डे लाइफ का. बट मुझे पता ही नहीं लगता कि ये जो स्टेप्स है मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कॉन्फिडेंट रहने में एंड मेरे ओवरऑल पर्सनैलिटी को एनहेंस करने में. सो गाइज, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ डे टू डे लाइफ में, तो इजी रहे. एंड बहुत मैंने आसान चीजें ही बताई, कुछ ऐसा नहीं बताया जो आप ना कर पाओ. अगर आपके पास मेरे लिए कोई टिप है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. स्किन ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन की, क्योंकि जो कि सबसे बड़ा कंसर्न रहता है आप सबका. तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग एंड क्लियर बनाने में सबसे बड़ा हाथ इस चीज का होता है कि आपकी स्किन को चाहिए क्या, आपकी स्किन की क्या नीड है, आपकी स्किन की क्या टाइप है. अगर आपको पता है आपकी स्किन की क्या टाइप है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. नहीं पता है ना तो भी बताओ, तो मैं आपको बताऊंगी आपकी स्किन की क्या टाइप है. ठीक है, तो गाइस सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपनी स्किन के बारे में जानना. उसके बाद आता है अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट यूज करना, जो भी यू नो फेस वॉश है, मॉइस्चराइजर है वो. ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने डेली क्या करना है एंड वीकली क्या करना है अपनी स्किन को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म करने में, ताकि 15 डेज के अंदर अंदर आपकी जो स्किन है उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे चेंजेस दिखे, आपकी स्किन जो हो और ज्यादा हेल्दी हो एंड ग्लोइंग हो. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीकली स्किन केयर की. तो वीकली स्किन केयर में क्या आता है कि आपने यू नो वीक में एक दिन ऐसा रखना है जिस दिन आपने अच्छे से अपनी स्किन को एक क्लीन अप देना है, छोटा सा क्लीन अप देना है. जैसे भी होता है क्लींजर यूज कर लिया, उसके बाद आपने स्क्रब यूज कर लिया, उसके बाद आपने टोनर या फिर उसके बाद आपने मास्क यूज कर लिया. अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है देन आप क्या कर सकते हो, क्लींजिंग करो, स्क्रब करो एंड मास्क लगाओ, दैट्स इट. कहती है डेली स्किन केयर की. सो गाइज, मेरे लिए डेली स्किन केयर इतनी जरूरी है कि अगर मैं स्किन केयर ना करूँ ना डेली तो मेरे स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने होने लग जाते हैं, पिंपल आ गए, दाने आ गए, उसके बाद तो डार्क स्पॉट और नहीं आने हैं. इसलिए मैं ट्राई करती हूँ एक तो मैं डे स्किन केयर और नाइट स्किन केयर तो पक्का करूँ. एंड अगर आपने ये दोनों फॉलो करने शुरू कर दी तो वैसे आपकी स्किन अच्छी रहेगी. दूसरी चीज, अगर आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही सब कुछ किया तो भाई आपकी स्किन कभी खराब हो ही नहीं सकती. तीसरी चीज, अगर आपने डेली सनस्क्रीन लगाई तो कुछ नहीं हो सकता आपकी स्किन को, आपकी स्किन ऐसी ऐसी रहेगी हेल्दी, ग्लोइंग एंड बहुत ज्यादा अमेजिंग. आपको कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं. आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप मैं कौन से स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ. सो गाइस, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ कि यस, विद द सीजन और विद द टाइम और विद माई स्किन केयर कंसर्न मेरे जो स्किन केयर प्रोडक्ट है वो जरूर चेंज होते हैं. मैं लाइक अपने स्किन के अकॉर्डिंगली अपने जो लाइक प्रोडक्ट्स है वो चेंज करती रहती हूँ. तो सबसे पहले मैं यूज करने वाली फॉक्स टेल्स हाइड्रेटिंग क्लींजर. स्टेप नंबर वन सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वो आपकी स्किन को रेडी कर देता है फॉर अदर स्टेप्स. सो एएम एंड पीएम दोनों टीम्स में आपको क्लींजर यूज करना चाहिए. एंड मैंने ये वाला क्लींजर चूज किया बिकॉज बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है, बिल्कुल भी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता है. एंड मुझे हमेशा से ऐसे क्लींजर्स ही पसंद है खुद की स्किन के ऊपर यूज करना. एंड ये आपकी डल एंटी हाइड्रेटेड स्किन को भी हाइड्रेट कर देता है एंड इंस्टेंटली आप देख सकते हो आपकी स्किन कितनी ज्यादा फ्रेश एंड हाइड्रेटेड फील होती है. नाउ आई एम यूजिंग फॉक्सटेल्स विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम, जो कि आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है, आपकी स्किन को इवन टोन भी बनाता है एंड विद इन 15 डेज आपको अपनी स्किन के ऊपर ग्लो भी दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्किन को विद इन ग्लो देता है. एंड सीरियसली गाइस, ये यूज करने के बाद मेरी स्किन बहुत नेचुरली ग्लो करने लगी. एंड ये मैंने अपने शादी के टाइम भी यूज किया था एंड अभी मुझे लग रहा था स्किन डल हो गई, तो मैंने सोचा कि ये फिर से यूज करना तो बनता ही है, क्योंकि तब इसने मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट दिए थे. तो इंग्रेडिएंट आपकी स्किन को इवन टोन बनाने में एंड ओवरऑल आपकी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं वो है 15% एल एस्कॉर्बिक एसिड प्लस विटामिन ई. एंड ये जो सीरम है वो ऑल स्किन टाइप्स के लिए बेनिफिशियल है. सो इसको आपको कब यूज करना है, दिन को कि रात को? आपको इसको एएम एंड पीएम दोनों टीम्स में फॉलो कर सकते हो. ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप इसको सुबह यूज करें मतलब एएम रूटीन में, तो आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं, वो मैंडेटरी है आपकी स्किन के लिए.
तो इसको यूज कैसे करना है, तो सिर्फ आपको दो पंप ही चाहिए होते हैं अपने ओवरऑल फेस के लिए एंड साथ में नेक के लिए। ठीक है, आपको पहले फेस वॉश करना है एंड आफ्टर दैट आपने टू पंप ऑफ विटामिन सी सीरम लेना है एंड देन आपने अप्लाई करना है फुल फेस के ऊपर एंड अपने नेक के ऊपर अच्छे से। जस्ट आफ्टर अप्लाइंग दिस सीरम आप देख सकते हो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन हो गई है एंड आप ना बिफोर आफ्टर भी देख सकते हैं कि इन जस्ट टू वीक्स आपकी स्किन के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, इवन एक वीक में ही आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। आई लव इट। So if you guys like these amazing products, you guys can check out my description box क्योंकि सभी जो links हैं वो वहाँ पे provided है। So go and get this amazing serum. So after that हम use करेंगे moisturizer, that's it. But अगर आप डे टाइम में अपनी स्किन केयर कर रहे हो तो आपको जरूर सनस्क्रीन लगानी है, वो कभी स्किप नहीं करनी है। ओके, सो इट्स टाइम फॉर हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। सो अब बात करते हैं वीकली एंड डेली हेयर केयर रूटीन की। सो गाइस, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपके जो हेयर है वो मैनेजेबल रहे, क्लीन रहे एंड हेल्दी रहे। तो वो कैसे रहेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। सो सबसे जरूरी होता है अपना हेयर केयर रूटीन बनाना जो कि आप वीकली यूज करोगे। ठीक है, तो मैं जो चीजें यूज करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कि मैं वीकली क्या क्या यूज करती हूँ अपने हेयर के लिए। सबसे पहले तो टॉनिक यूज करती हूँ जो कि कुछ टाइम के बाद, लाइक 10 से 15 मिनट के बाद वो अपने आप ही अब्सॉर्ब हो जाता है आपके जो बालों में, वो पता नहीं लगता आपने लगाया। सो फिर बारी आती है ऑयलिंग की एंड देन हेयर मास्क की, फिर उसके बाद हेयर वॉश की। ठीक है, हेयर वॉश के बाद क्या करते हैं वो बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको ये तीन चीजें बता दी मैंने, टॉनिक हो गया, हेयर ऑयल हो गया, हेयर मास्क हो गया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि या तो मैं DIYs भी यूज कर लेती हूँ, कभी कभार मेरे पास यू नो अगर प्रोडक्ट पड़े हो तो मैं वो भी यूज कर लेती हूँ फॉर माई हेयर ग्रोथ। ठीक है, जो टॉनिक होता है वो ऐसा होता है जैसे वाटर कंसिस्टेंसी होती है ना, सेम वाटर ही होता है, बस वो इन्फ्यूज्ड होता है विद सम इंग्रेडिएंट्स, चाहे वो रोजमेरी हो गया, चाहे वो मेथी दाना हो गया, चाहे वो ब्लैक सीड हो गया, चाहे आप इन चीजों को कलेक्ट करके इसके अंदर इन्फ्यूज कर दो, उसको बॉयल कर दो, उसको एक दो दिन तक आप ऐसे ही रहने दो, फर्मेंट हो जाएगा वो, चाहे आप राइस वाटर बना सकते हो, वो चीजें होती है जो आपके बालों को हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करती है। फिर ऑयलिंग आ गया, ऑयल में कोकोनट ऑयल भी यूज कर लेती हूँ, स्पेशली उसके अंदर कैस्टर ऑयल ऐड करके, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है आपके बालों के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। एंड साथ में ही आप यूज कर सकते हो ऑलिव ऑयल, साथ में आप यूज कर सकते हो आंवला ऑयल, लाइक कोई भी ऑयल, मैं DIY भी ऑयल मैंने बनाया हुआ था वो भी यूज कर लेती हूँ। तो ये चीजें होती हैं जो मैं यूज करती हूँ। अब हेयर मास्क में आ गया, हेयर मास्क मोस्ट ऑफ द टाइम मैं DIY ही बनाती हूँ, अगर DIY नहीं तो बहुत रेयरली मैं हेयर मास्क यूज करती हूँ जो कि मैं प्रोडक्ट मंगवाया हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये होता है कि मोस्टली जो चीजें हैं स्पेशली हेयर के लिए मैं घर पे ही बनाऊ एंड अपने बालों पे वही यूज करूँ। सो एक स्पेसिफिक शैम्पू यूज करती हूँ जो कि हेयर कलर्ड हेयर के लिए होते हैं, बट मैंने ज्यादा कलर नहीं करवाया, सिर्फ मैंने हल्के हल्के हाईलाइट्स करवाया वो भी लेंथ के ऊपर, पर यस मैं नहीं चाहती थी कि बहुत जल्दी कलर जाए, इसलिए मैं ये वाले यूज कर रही हूँ शैम्पू, ये वाला का है। एंड एक और चीज कि उसके बाद हेयर वॉश करने के बाद मैं सीरम यूज करती हूँ। एंड सीरम ऐसा करना है कि आपने पहले कोई भी माइक्रोफाइबर टाल लिया, जो भी टाल आप यूज करते हैं, बट ट्राई करो माइक्रोफाइबर टाल होते तो वो ज्यादा जेंटल होता है आपके हेयर के ऊपर, तो उसके साथ पैड ड्राई कर लिया, हो गया, उसके बाद आपने सीरम लगा लेना है। ठीक है, ट्राई करो कि जो सीरम है वो आप जब आपके बाल गीले हुए हो तो तब लगा लो, जब थोड़े से गीले हो तब भी लगा सकते हो। सो डेली रूटीन में ये होता है कि ऐसा होता है कि वीक में 2 से 3 दिन मैं अपने बालों के ऊपर कोई सीरम लगाती हूँ जो कि हेयर ग्रोथ सीरम हो। ठीक है, एंड दूसरी चीज कि आपने दिन में 2 बार अपने बालों को कॉम करना है बहुत जेंटली। ठीक है, आप वुडन कॉम भी ले सकते हो, वाइट टूथ कॉम भी ले सकते हो, बहुत ज्यादा प्रिसाइज जो छोटे छोटे जिसके होते हैं ना टूथ वो वाली नहीं लेनी कॉम, क्योंकि इससे ज्यादा बाल खींचते हैं। यस, तो ये चीजें ही है। एंड आप स्क्रंचीज यूज करा करो, जो दूसरी रबर बैंड होती है वो मत यूज करा करो, अभी पर मैंने यूज की हुई है टू बी ऑनेस्ट, पर हाँ कोई हेयर स्टाइल बनाते हो तो आपको कभी कभार यूज करनी पड़ती है क्योंकि उससे ज्यादा चिकने पाती है, बट अगर आप वैसे नॉर्मली घर पे हो या फिर अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आप लगा सकते हो ना स्क्रंची, तो आप स्क्रंची यूज करा करो। ठीक है, हेयर स्टाइल, ठीक है, तो आप अपने हेयर स्टाइल अपने फेस के अकॉर्डिंगली रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पहले ये वाला हेयर स्टाइल करवाया था, लाइक जो हेयर
कटिंग थी वो ऐसी थी मेरी, एंड आफ्टर दैट मैंने कुछ ऐसी रख ली, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मेरे ऊपर सूट होती है, दैट्स द रीजन मैंने ये करवाई थी, एंड मुझे ये सजेशन भी मिला था हेयर स्टाइलिस्ट से, तो इसलिए मैंने ये दोनों करवाई। तो गाइज, आप अपने फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली जो आप कोई भी हेयर कट लेते हो या फिर कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हो, तो गाइज वो और ज्यादा एनहेंस करता है आपके लुक को। तो इसलिए आप ट्राई करा करो, कुछ भी है या तो आप हेयर ड्रेसेस से पूछो पहले, या तो आप अलग एक्सप्लोर कर सकते हो गूगल पे जाके, कहीं भी जाके, कि आपके जो फेस टाइप है उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से हेयर स्टाइल है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना हेयर स्टाइल करवा लो या फिर हेयर कटिंग करवा लो। ओके, सो इट्स टाइम फॉर सेल्फ ग्रूमिंग। सो गाइज, सेल्फ ग्रूमिंग होती है अपने ओवरऑल लुक का ध्यान रखना, ठीक है। चाहे आप हेड टू टो आप कैसे लग रहे हो, अगर आपको पता है आपके जो नेल्स है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा डर्ट फंसी हुई है, तो आप बताओ आप उसको कट करोगे ना, कैसे रहने दोगे, ऐसे गंदा बंदा नहीं रहने दोगा ना। तो वही होता है सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अगर आपने ब्रश नहीं किया, वो आपके जो टीथ है वो बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप करोगे ना, वो छोटी छोटी चीजों को ही हम सेल्फ ग्रूमिंग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, अपनी हेयर को डेली क्लीन करना, टीथ को डेली ब्रश करना, अपने नेल्स को क्लीन रखना, ठीक है। तो ये चीज है कि अगर आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करवाते हो कोई भी मेथड से, चाहे वो थ्रेडिंग हो गया, रेजर हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको लग रहा है कि आपके एक्स्ट्रा फेशियल हेयर आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तब वो रिमूव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उससे जो है वो आपका जो फेस है ना वो ज्यादा इवन टोन्ड लगता है, आपको पता है उसको हल्का हल्का कलर भी लगता है, जैसे ये थोड़ा डार्क लगता है वो एरिया, कि यहाँ से आपका डार्क लग रहा है यहाँ से, या फिर यहाँ यहाँ से अगर आपको हेयर आया है तो वो अनइवन लगता है। एक और चीज कर सकते हो कि आप अपने फीचर्स को और ज्यादा एनहांस कर सकते हो, नेचुरल ब्यूटी को एनहांस कर सकते हो, वो कैसे। सो गाइज, आप लिप्स के ऊपर टिंटेड लिप बाम्स लगा सकते हो, थोड़ा सा टिंट लगा सकते हो, चीक्स के ऊपर हल्का सा काजल या फिर लाइनर लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है। बट ये छोटी छोटी चीजों से ना आपका जो लुक है और ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप चीक्स के ऊपर लगाते हो तो ऐसा लगता है कि आपकी नेचुरली चीक्स पिंक है, और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप लिप्स के ऊपर लगा रहे हो तो ऐसा लगता है कि आपके जो लिप्स है वो नेचुरली पिंक है, एंड साथ में बहुत ज्यादा प्लम्पी लगते हैं। अगर आप डेली लिप बाम, मैं तो डेली लिप बाम लगाती हूँ, इवन जब भी मुझे लगता है कि मेरी लिप्स ड्राई लग रहे हैं तो लिप बाम तो मैं लगाती हूँ। तो बाहर जाने से पहले स्टाइलिंग इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो ना आपको पता होता है आपका एस्थेटिक कैसा है, ठीक है। अगर आप इंडियन वेयर पहन रहे हो तो कुछ आप ऐसे ही चीजें पहन सकते हो, साथ में एक्सेसराइज भी कर सकते हो खुद को, ठीक है। लाइक आप देख सकते हो, मैं सिर्फ लाइक नॉर्मली गई थी बाजार, बट मैं कुछ ऐसे तैयार हो गई थी, मुझे पता है कि अगर मुझे इंडियन वेयर पहना तो मैं कुछ ऐसा पहनती हूँ, अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं कुछ ऐसा रेडी होती हूँ, ठीक है। एंड आप अपने हेयर स्टाइल भी उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो, पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, बट अब मुझे है कि जब भी मैं बाहर जाऊँ तो मैं कुछ यू नो ओवरऑल लुक अच्छा लगे, कि अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग मैं अपने इयररिंग्स पहनूँ, अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग मैं अपना हेयर स्टाइल बनाऊँ, एंड एवरीथिंग जो है वो एक दूसरे के साथ जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आपने यहाँ पे झुमके पहन लिए और नीचे आपने वेस्टर्न वेयर पहना है, ऐसा नहीं। झुमके आपको इंडियन वेयर के साथ पहनना है, आप अच्छे से कोई वेस्टर्न इयररिंग्स पहन सकते हो, एंड वो भी लाइक कलर स्पेसिफिक होते हैं, किसके साथ गोल्डन कलर जाएगा, किसके साथ सिल्वर कलर जाएगा, किसके साथ रोज गोल्ड कलर जाएगा, सो वो चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। स्टाइलिंग बहुत जरूरी होती है जब भी आप बाहर जाते हो, ठीक है। चाहे आप सिंपल यूनिफॉर्म भी पहन रहे हो ना, एक जगह कोई सलीके से बहुत अच्छे से पहन रहा है, एक जगह कोई बिल्कुल तमीजी नहीं पहनने के ऐसे पहन रहा है, मतलब दोनों में कितना फर्क। ओके, सो आपकी ब्यूटी की बात हो गई, सो अब बारी आती है आपकी फिटनेस की। तो डेली आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली सैर कर सकते हो। अगर आप जिम नहीं जाते हो, कहीं नहीं जाते हो, कुछ नहीं करते हो, आप सिंपली आप सैर करो पहले, ठीक है। क्योंकि यार अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, डे टू डे लाइफ में सीधा मैं कह दूंगी आप ये कार्डियो करो, अब वो करो, आप ये करो, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पहले आप इसका रूटीन बनाओ कि अब डेली आपको इतनी देर तक सैर करनी है, मतलब वॉक करनी है। आफ्टर दैट आप वॉक करोगे करोगे करोगे, फिर आप थोड़े और एक्टिव हो जाओगे, फिर आपको नहीं मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, सबसे पहले तो आप वॉक करो, ठीक है। अभी मैं जिम नहीं जाती हूँ, मेरे लिए वॉक ही होती है जो मैं वॉक करती हूँ, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ आप कहते हो फिट हो, मैं फिट क्यों हूँ, व्हाट इज द रीज़न। अभी थोड़ा सा हो गई हूँ मैं, बट मैं फिट इसलिए हूँ क्योंकि मैं कोई भी चीज़ लिमिट में खाती हूँ सबसे पहले, तो जब मुझे लगता है ये चीज़ मेरे गट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है तो मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर मैदा है मैं नहीं खाती हूँ, मोमोज मैं नहीं खाती हूँ, अपोलो में नहीं खाती हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा मोमो खाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा एक बार मैं नूडल खा लिए, फिर नेक्स्ट टाइम मैं मैदा नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने पहला मैदा खा लिया,
ठीक है। और हफ्ते में मैं रेगुलरली या फिर एक दिन के बाद ऐसे मैं फास्ट फूड या कुछ ऐसे जंक फूड नहीं खाती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कम खाऊँ। एक और चीज़ कि मैं ट्राई करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ मैं पीती रहूँ, खाती रहूँ, जिससे मेरी जो बॉडी है वो डिटॉक्स हो। अभी मैं कुछ ऐसा ड्रिंक नहीं पी रही थी, थोड़ा टाइम हो गया था, इसलिए मैं अब पी रही हूँ नीम जूस। उसका ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा पोर्शन लेना होता है एंड वो डेली मैं पी लेती हूँ, ताकि एटलीस्ट मेरा जो ब्लड है वो क्लीन रहे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जिससे मेरी जो बॉडी अंदर से क्लीन होती रहे, समझ रहे हो। तो सिर्फ ब्यूटी के साथ साथ अगर आप बोलोगे सिर्फ आप ब्यूटी का ध्यान रखिए, जो ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, इनर आप अपने आप को फिट रखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि तभी आपकी जो ब्यूटी है वो ज़्यादा निखर के आती है। अदरवाइज जंक फूड खाई जाओगे, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपना ध्यान भी नहीं रख रहे हो, खाने पीने का भी नहीं ध्यान रख रहे हो, आई डोंट थिंक कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। सो आप छोटे छोटे, मैंने आपको कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं बोली, एक्सेयर करना है, अपने खाने पीने में लिमिट लगानी है कोई चीज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटेन द हाइजीन, ठीक है। सो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड खुद की ग्रूमिंग का ध्यान रखो एंड अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। लाइक डेली शावर लिया आपने, डेली ब्रश किया, डेली आपने अपने कपड़े जो है वो क्लीन पहने हैं, रिपीट मत ही करा करो। स्पेशली गर्मियों में तो बिल्कुल भी रिपीट ना करो करो, ठंड में कोई ना कोई कर ही लेते हैं, बट गर्मियों में बिल्कुल रिपीट मत करा करो कपड़े, ठीक है। एंड अगर आपको बॉडी ऑडर की प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप कोई ना कोई लाइक मिस्ट, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं स्मेल पसंद, आप मिस्ट यूज कर लो, ठीक है। मिस्ट बहुत ज़्यादा वो होता है, लाइट फ्रेग्रेंस होती है उसकी। एंड अगर आपको अच्छे बहुत ज़्यादा हैवी परफ्यूम्स पसंद है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, परफ्यूम डीओ ये वो, बट मैं मोस्टली मिस्ट यूज़ करती हूँ या तो परफ्यूम यूज़ करती हूँ, तो आप यूज़ कर सकते। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो यस, अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।